हेलो केयूपी भाई एस्पिरेंट्स, यार कैसे हो सभी लोग? एंड बहुत सारे स्टूडेंट की क्वारी आ रही है रिगार्डिंग द केयूपी भाई फिलोशिप एंड रिजल्ट की। भैया रिजल्ट का क्या सारा चीन रहा है, एंड हमारा जो कट ऑफ है उसका भी बहुत सारा इश्यू आ रहा था, तो आज अपन कंप्लीट में चर्चा करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज अपन बात कर लेते हैं रिजल्ट की, कि रिजल्ट का क्या सारा सिस्टम है। सर अभी तक जो है स्कोर कार्ड केयूपी भाई की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है। अभी जो रिलीज किया गया है वो है केवीपी वाई फिलोशिप, यानी कि जिन स्टूडेंट को केवीपी वाई आईआईएससी बेंगलोर या फिर गवर्नमेंट ऑफ साइंस एंड डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है उन स्टूडेंट्स की जो है लिस्टें जारी कर दी गई है एस ए एस एक्स और एस बी ब्रांच तीनों के अंदर। ओके अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, यानी कि अगर आप अच्छे अच्छे कोर्सेज जो भी इनकी लिस्ट के अंदर शामिल है अगर आप वो कोर्सेज करते हैं, जस्ट मैं अगर आपको कुछ कोर्सेज के नाम दिखा देता हूँ, अगर आप ये कोर्सेज करेंगे तो जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ कोर्सेज दिए गए हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट के अंदर है बेसिक साइंस कोर्सेज जैसे बीएससी बी स्टेटिक्स, ठीक है बीएस बी स्टेटिक्स बी मैथमेटिक्स, इंटीग्रेटेड एमएससी इंटीग्रेटेड एमएस। अगर आप ऐसे ऐसे कुछ कोर्सेज करते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हो जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, जैसे बीएससी बीएस बी स्टेटिक्स बी मैथमेटिक्स इंटीग्रेटेड एमएससी इंटीग्रेटेड एमएस, अगर आप ये कोर्सेज करते हैं, अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिली हुई है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से चाहे आईआईएससी बेंगलोर हो चाहे आईस्टर हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो कुछ भी हो, अगर आप ये कोर्सेज करते हैं देन जो है केवीपीवाई आपको जो है कुछ पैसे मतलब जो कि आपको सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली 5000 एंड ऐसे कुछ आपको जो है प्रोवाइड किए जाते हैं इनकी तरफ से। ओके जैसे अगर अपन बात करें फिलोशिप की तो यहाँ पे देख सकते हो फिलोशिप के अंदर एस ए एस एक्स और एस बी ब्रांच में ड्यूरिंग फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक जो है आपको 5000 रुपये मिलेंगे, एंड जो भी है आपका फोर्थ से लेके 5वें साल तक आपको 7000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ओके सो एनुअल 20000 28000 रुपये ऐसे ऐसे कुछ आपको दिए जाएंगे। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया दिए गए थे, फिलो कंटिन्यू टू स्टडी बेसिक साइंस कोर्स इन स्कूल जूनियर कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड मेंटेन से मिनिमम लेवल ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस 60%, यानी कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं 60% आपके आने चाहिए। ओके एंड ये कुछ सिंपल इनके दिए गए हैं, इनका जो समर प्रोग्राम भी होता है पार्टिसिपेशन एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इन द समर प्रोग्राम। ओके जैसे कि जो भी स्टूडेंट है अदर प्रिविलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो विल इश्यू द आइडेंटिटी कार्ड एज हैव एक्सेस टू नेशनल लेबोरेटरीज यूनिवर्सिटी वो हैव एग्रीड टू एक्सटेंड स्पेशल प्रिविलेजेस लाइक लाइब्रेरी लेबोरेटरी फैसिलिटी टीसी केवीपी वाई फ्लोज ऑन प्रोड्यूशन ऑफ द आईडी कार्ड। ओके एंड सो ये सारा सिस्टम है। अब अपन बात करते हैं रिजल्ट की। सो जिन भी स्टूडेंट को केवीपी वाई फेलोशिप मिली है उनकी जो लिस्टें हैं वो जारी कर दी गई है, वो आपको कैसे चेक करना है? तो यार ये जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी की मेरिट है, ठीक है जनरल मेरिट एंड कट ऑफ, एंड ये जो कट ऑफ है वो एस सी एस टी की है और ये जो कट ऑफ है वो पीडब्ल्यूडी की है। ओके अब इसमें ना ओबीसी कैटेगरी भी शामिल है। अब जो स्टूडेंट एस एक्स ब्रांच है उनको कैसे चेक करना है? तो जैसे ये यहाँ पे जो दिया गया है इन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी में आप अगर एस ए एस एक्स और एस बी से हैं, जैसे हम एस एक्स का चेक कर लेते हैं, तो जैसे हमने एस एक्स का चेक किया सो यार यहाँ पे जो है ये पीडीएफ ओपन हो रहा है, ये पीडीएफ ओपन हो चुका है। अब आपको इसमें कैसे चेक करना है? अगर यार आप मोबाइल से चेक कर रहे हो देन आपको यहाँ पर सर्चिंग का ऑप्शन मिल रहा होगा, ये मैं लैपटॉप से चेक कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास सर्चिंग का ऑप्शन नहीं है। अगर आप मोबाइल में चेक कर रहे हो देन आपके पास जो है यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन मिलता है, या फिर आप इसको जो है अगर अपन जो हमारा होता है वर्ड पेड में अगर अपन ओपन करें तो भी हमारा जो है सर्चिंग का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा होता है। जैसे मैं डाउनलोड करके वर्ड पेड में से ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यार मेरा तो ये कुछ इश्यू है इसके अंदर वर्ड पेड में। अब आपको सिंपल क्या करना है, जैसे यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, तो जैसे आप फाइंड पे क्लिक करते हैं आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है जो भी है, एंड आप फाइंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो है आपका अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं देन आई थिंक जो है आपका सही से शो कर रहा होगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो यार ये बहुत सारी लिस्टें दी गई है केवीपीवाई की तरफ से, तो जैसे इसमें आपको सिंपल चेक करने का तरीका यही है कि आप अगर मोबाइल में चेक कर रहे हैं देन आपको जो है सर्चिंग का ऑप्शन दे रखा होता है पीडीएफ वाले में यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सिंपली अपना एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हैं या फिर अपना रोल नंबर डाल सकते हैं,
या फिर आप अपना नाम भी वहां पे पुट करेंगे तो जो है ये ऐसे ऐसे कुछ ब्लिंक हो जाएगा अपने आप ही, ये जो है ऐसे देख सकते हो, एंड आप अपना जो है रैंक वगैरह आसानी से देख सकते हो, राइट। अब जो है मेरे पास अभी तक टोटली 17 से 18 बच्चों की क्वारी आ चुकी है कि सर जो है हमारा जो कट ऑफ था बेसिकली, जैसे कि ये मान सकते हो ये जो कट ऑफ है वो तो 52% है, ओके। एंड जो मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं वो मॉक टेस्ट में आ रहे थे तकरीबन 90, 92, 95, ओके। एंड यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आ रहा है 52। मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और जो मेरा जो नाम है इसके अंदर आया ही नहीं है, राइट। अगर मेरे मॉक टेस्ट में 90 आ रहे थे, अगर मेरे केयूपीवाई में जो टेस्ट दे के आया हूँ उसमें मैंने मैच किया है, तो वो मेरे तकरीबन 92, 93 के करीब आ रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे जो है एस एक्स में कट ऑफ है वो है 52, तो मेरा तो नाम आना चाहिए लेकिन मेरा नाम नहीं आया है इसमें, राइट। ऐसे ऐसे कुछ स्टूडेंट की क्वारी थी, एंड बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि मुझे जो अपना इंडिविजुअल स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मेरी जो है मेरा इसमें तो नाम आया नहीं है, और मेरे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे वो मैं कैसे चेक करूँ। सर इसके लिए जो है स्पेशल नोटिस दिया गया है केयूपीवाई की तरफ से, द मार्क्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट वो अपियर्ड इन द एप्टीट्यूड टेस्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम केयूपीवाई वेबसाइट बाई लॉग इन इन द एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2022, ओके। सो आप जो अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉग इन करके जुलाई के महीने के अंदर जो है आप अपना डाउनलोड कर सकते हो स्कोर कार्ड, ठीक है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, एंड जैसे आप जो है पीडब्ल्यूडी वाले भी चेक कर सकते हो यहाँ पे जो भी ऐसे वगैरह पे क्लिक करके। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट का ये था कि भैया जो है आईसर का कट ऑफ कितना रहने वाला है, ओके। तो ये पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे ये एस ए था, ये एस बी है, ये एस एक्स है। अब अपन कुछ देख लेते हैं आईसर का क्या सारा सीन रहा है एंड आईएएस में कितना कट ऑफ रहने वाला है, ओके। सो यार आईसर का जो है एक डिटेल के अंदर वीडियो वगैरह मैं बनाता रहता हूँ, तो जो है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे कि आप देख सकते हो 26 तारीख को जो है 3 बजे तक इसके एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हो आप, ओके। अब अपन चलते हैं पिछले साल वाले सीन पे। तो यार यहाँ पर तो पिछले साल का कट ऑफ दे नहीं रखा होगा, एंड एक मेरा यूट्यूब चैनल है फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो उसपे जो है पिछले साल जितने भी आईसर के एडमिशन हुए थे उन सब के जो कट ऑफ पड़े हैं तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो यार आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, आपके लिए इतनी अर्जेंट अर्जेंट अच्छी अच्छी अपडेट में लाता रहता हूँ, तो प्लीज इतना तो कर ही सकते हो यार, सब्सक्राइब तो करके रखो कम से कम, ओके। सो यार वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, आईएएसटी और जो भी है आईसर के अपडेट में आपको फिर से नया वीडियो बना दूंगा कि कितना कट ऑफ रहा है। बेसिकली अगर मैं देखूँ तो यार जो है केयूपीवाई वाले 1800 रैंक अगर आ रही है देन आप सेफ हो आईसर के लिए, ओके। जैसे यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, तो जो है लास्ट राउंड रहा था 15, कितना राउंड था यार वो काफी राउंड होते हैं आयसर में, और जस्ट इसके रिगार्डिंग ना हमारा एक स्पेशल काउंसलिंग प्लान भी चलता है, दिस इज कॉल्ड गारंटेड एडमिशन प्लान काउंसलिंग, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं भी हो पा रहा है, तो जो है आप हमारी मिशन गारंटेड एडमिशन प्रोग्राम भी ले सकते हो, जिसके लिए जो है ये एक नंबर दे रहा हूँ इस पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट को जो है अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस एम्स एंड अदर अदर नीट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आईआईटी जेई में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उनका जो है पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है कि हम इनको आईसर में भेजें आईएएससी में भेजें, कितना प्लेसमेंट कहाँ से अच्छा होगा या फिर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि हमारा जो है इसमें तो हो नहीं पा रहा है, रैंक अच्छी नहीं आई है। तो जो है हम आपके लिए सजेस्ट करते हैं अच्छे अच्छे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, उसके अंदर बेसिकली जो है एडमिशन करा देते हैं, ओके। मतलब जैसे आई विल वर्किंग दिस फील्ड इन लास्ट 3 ईयर्स,
सो अगर आपको इंटरेस्ट है देन जो है आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हम ट्राई करते हैं कि आपका 100% एडमिशन हो जाए इन द आईशेयर एंड आईआईएससी बेंगलोर एंड नीट के अंदर अच्छे कॉलेज एंड जोसा में अच्छे कॉलेज। सो यू कैन गेट द प्लान सब्सक्रिप्शन।